नशे के ओवरडोज ने ली एक और युवक की जान। नशे से हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। खबर फिरोजपुर के गांव रखड़ी से आ रही है। इस गांव के 24 वर्षीय युवक को नशे के दायरे ने निकल लिया। मृतक बहन और माँ बाप का एक लौता बेटा था। अब तक अकेले फिरोजपुर में नशे से 2 दर्जन के करीब मौतें हो चुकी हैं। कुछ केसों में मौत के बाद मृतक के परिवार वालों ने नशे के सौदागरों के नामों का जिक्र भी किया था, पर पुलिस ने अब तक भी इस इलाके में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। सवाल यह है कि पुलिस अकेले फिरोजपुर को नशा मुक्त करने में नाकाम रही है। जहां पंजाब सरकार की तरफ से नशे को रोकने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग मुहिम की शुरुआत कर गांव-गांव जाकर नशे के खिलाफ सेमिनार लगाए जा रहे हैं, वहीं नशे के कारण आज भी नौजवान की मौत हो रही है। अगर बात सर्दी इलाके फिरोजपुर की जाए तो नशे के कारण नौजवानों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। आज फिरोजपुर गाँव रखड़ी में एक 24 वर्षीय पढ़े लिखे नौजवान दिलप्रीत की नशे की ओवरडोज के चलते मौत हो गई। मृतक नौजवान अपने परिवार का इकलौता बेटा था और एक बहन का भाई और अपने माँ बाप का सहारा था। मृतक के परिवार वाले पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से नशा खत्म करने की गुहार लगाई है। मृतक नौजवान का माँ पिता और चाचा ने बताया कि उनके गांव में कई लोग नशा बेचते हैं, जिससे उनके पुत्र को नशे की लत में लगा दिया। उन्होंने कहा कि 2 साल से उनका बेटा नशे की लत में पड़ गया था, जिसे नशा छुड़ाव केंद्र में भी भर्ती कराया गया था, जहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन गांव में फिर से कहीं से नशा ले आया और आज जाकर मोटर पर टीका लगा लिया और उसकी मौत हो गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन को नशा खत्म करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि आज हमारा सारा इकलौता बेटा नशे में ही भेंट चढ़ गया, लेकिन किसी और बेटे के साथ ऐसा ना होना चाहिए। सरकार तो साडी यही मांग है कि नशा बंद किया जाए। किन्नी उम्र माता उन्होंने 24 साल मेरे चढ़ती जवानी तो मेरा पुत्र गया चला। किन्ना को पढ़िया सी माता बीए की सी मेरा बच्चा पता नहीं कितों लेके गया, अज ही लग्या अज ही मौत हो गई। नशा कर रहा नशे का पता ही नहीं पता कर लगा। मैं 3 महीने रखा भी है, सेंटर भी रखा, 2 महीने बहुत वधिया रहा। रात उ जगराता ही उतो माड़ा ही निकलिया मेरे ना, तो कुछ नहीं मैं कर कुछ नहीं आख्या। फिर डंगर लग्या इतों टूटे छड़ के, उतों फिर मोटरसाइकिल फड़िया, मोटरसाइकिल से आन के पता नहीं लग्या कितने को लग्या, उस गुट तो ही लै गया किसी पास पिंड चो ही पिंड चल जा रहे थे। खूटे पता नहीं की किया की नहीं किया, मैं जाके मैं सीधा किया मौत हो गई। नशा टीका लाया जी जाके, हाँ जी टीका लाया जा के। इस पिंड कोई बेचते नहीं जा किस तरह? हाँ जी हाँ जी बेचते नहीं। किन्ने के बच्चे हो जो ड्रग्स के पिंड पता को तुम? तकरीबन 15-20 घर ही बेचते पैने, बस सारी दरी वेले लगे फिर आया गुटते बह गया, वो गुटते बह गया। कि पिंड लड़के मेरी पंजाब सरकार अगर बेनती है भी जोड़ा पिंडा में यह नशीला पाउडर विक रहा यह नहीं विकना चाहिए। मेरा भतीजा अज इस भेट चढ़ गया, मैं तो यही कहना कि ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। पंजाब गौरमेंट एक मिनट जो गौर करे तो नशा खत्म हो सकता। तो साडा तो लाल अज गजला, मेरी सरकार अगर यो बेनती है कि किसी होर का लाल ना चला जाए। तो
ਕੀ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਵੇਚਦੇ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ।